Good morning, student. Today we'll discuss about the next topic of our chapter. In this lecture, we should discuss about the fertilizer, their advantage, disadvantage, and pesticides, their advantage and disadvantage. Okay, student. Firstly, fertilizer. In order to make the crop grow faster, more nutrient had ready to the soil. Means क्या होता है कि अगर आपने crop को जल्दी grow कराना है, means सबसे पहले ये आप देखो. अब crop को grow होने के लिए बेटा क्या चाहिए? Soil चाहिए. ठीक है, मिट्टी चाहिए. मिट्टी में आप क्या डालते हो? खाद. आपको पता ना, मिट्टी में खाद डालते हैं जब भी क्रॉप को क्या कराते हैं, ग्रो कराना होता है. ठीक है बेटा, उस खाद को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजर. और वो किसका बना होता है बेटा? केमिकल्स का. ठीक है बेटा, उसी के बारे में हमने इसमें पढ़ना. इन ऑर्डर टू मेक क्रॉप ग्रो फास्टर, और उनको ग्रो फास्ट करने के लिए क्या चाहिए बेटा? न्यूट्रिएंट. वो न्यूट्रिएंट बेटा उनको कहाँ से मिलेगा? फर्टिलाइजर से. और ये फर्टिलाइजर किसका बना होता है? केमिकल का. ठीक है, वी ऑल नाउ डैट द डिमांड फॉर न्यूट्रन लाइक, क्योंकि उनको देखो क्या क्या न्यूट्रन चाहिए होता है. नाइट्रोजन चाहिए होता है, पोटाशियम चाहिए होता है, फॉस्फोरस चाहिए था. ये क्या करता है कि इंक्रीज करता है सॉयल की फर्टिलिटी को. ठीक है बेटा, द ओनली वे इन विच सॉयल क्वालिटी कैन बी रिप्लेस्ड बाय द आर्टिफिशियल मीन. ये अकेला एक ऐसा तरीका है जिससे हम सॉयल को क्या करते हैं? न्यूट्रेंट कर सकते हैं. मान लो कि जैसे हम अपने मोबाइल यूज कर रहे हो, ठीक है, बैटरी क्या हुआ? डिस्चार्ज हो गया. ओवर टाइम आप उसे क्या करते हो? दोबारा चार्ज करते हो. तो मतलब एक बार जब डिस्चार्ज हो गया बैटरी, मतलब कि सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज होने लग पड़ी, कम होने लग पड़ी, दोबारा आप उसमें खाद डाल के उसे क्या कर सकते हो बेटा? इंक्रीज कर सकते हो. और ये क्या करता है? हमारे क्रॉप प्रोडक्शन को बेटा क्या करता है? इंक्रीज करता है. ठीक है, दिस आर द वैरायटी ऑफ फर्टिलाइजर. हमारे पास वैरायटी फर्टिलाइजर है जिसमें बेटा नाइट्रोजन, जिसे हम बोलेंगे, हमारे पास बेटा वैरायटी ऑफ फर्टिलाइजर है. ठीक है बेटा, जैसे कि नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, उसमें क्या क्या होता है बेटा? अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ इसमें आपने क्या करना है. फर्टिलाइजर क्या होता है? ठीक है बेटा, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, मिक्स फर्टिलाइजर, सिंगल फर्टिलाइजर एक्सेट्रा, वो हम नीचे पढ़ेंगे वो सब क्या होता है. आपने ज़्यादा इनके नेम्स ये सब नहीं याद करने. ठीक है, आपने जस्ट ज़्यादा याद करना तो अमोनियम सल्फेट, ठीक है, ये सब एक दो बस पढ़ लो. ठीक है, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर सर अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट. ठीक है, ये नाइट्रोजन फर्टिलाइजर होता क्या और उनमें क्या क्या हो, मतलब कि अगर आप नाइट्रोजन फर्टिलाइजर पढ़ रहे हो ना बेटा, तो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर वो किस चीज़ का बना है उसके बारे में बताया गया. नाइट्रोजन फर्टिलाइजर में क्या क्या होता है? अमोनियम सल्फेट होता है, अमोनियम नाइट्रेट होता है बेटा, अमोनियम फॉस्फेट होता है. ठीक है बेटा, एंड यूरिया. और देखो, अगर नाइट्रोजन फॉस्फेट इसका बना था, और नाइट्रोजन फॉस्फेट हम यूज़ क्यों कर रहे हैं? सेकंड क्वेश्चन क्या आएगा? पहले तो वो है क्या? वो है फर्टिलाइजर. दूसरा, वो बना किसका? वो मैंने बता दिया. अब तीसरा, वो है तो हम उसको यूज़ क्यों करते हैं? क्या फ़ायदा उसका? नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड टू द प्लांट टू फॉर्म प्रोटीन. अब हमने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा था ना, उसमें क्या है? नाइट्रोजन प्रोटीन बनाता है. मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था ना बेटा, उसमें मैंने आपको सारा समझाया था ना कि नाइट्रोजन प्रोटीन बनाता है, और यही प्रोटीन से क्या होता है, वो जो पेड़ होते हैं वो ग्रो करना शुरू करते हैं. नाइट्रोजन, जितना ज़्यादा सॉयल में नाइट्रोजन होगा, पेड़ उतना जल्दी ग्रो करेगा. बस इतना आप अपने माइंड में रख लो. ठीक है, फॉस्फोटिक मतलब क्या होता है? जिसमें फॉस्फोरस हो. फॉस्फोटिक फर्टिलाइजर्स आर एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट. दे आल्सो, ये क्या करता है फॉस्फोटिक फर्टिलाइजर्स क्या करता है बेटा? जो ये इंक्रीज करता है शुगर और स्टार्च कंटेन, और ये शुगर और स्टार्च कंटेन को बीट रूट और पटैटो के स्टेम, मतलब कि पटैटो और बीट रूट में क्या करता है? शुगर और स्टार्च कंटेन को इंक्रीज करता है. अगर बेटा अगर ये चीज़ की कमी हो जाए सॉइल में, तो बीट रूट में शुगर और स्टार्च की कंटेंट क्या होगा? लो रह जाएगा. ठीक है, और हमारे जो फसल होगा अच्छा नहीं होगा. दे आल्सो इंक्रीज, हाँ ये तो पढ़ लिया हमने. एग्जाम्पल के लिए फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर आर, एग्जाम्पल देखो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर कौन सा है? जैसे अमोनियम फॉस्फेट. ठीक है बेटा, और एक होता है बेटा सुपर फॉस्फेट. सुपर फॉस्फेट का क्या होता है? मतलब सुपर फॉस्फेट का बेटा, सुपर फॉस्फेट आपने सुपर फॉस्फेट याद करना है, फॉर्मूला नहीं आपने याद करना. ठीक है बेटा, एग्जाम्पल है फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर का, एक होता है अमोनियम फॉस्फेट, एक होता है सुपर फॉस्फेट. लेटर इंक्रीज द ईल्ड. ईल्ड मतलब जो अब फसल हो रही है वो कितना ज़्यादा क्वांटिटी में हो रहा है उसे ईल्ड बोलते हैं. एनहांस द रीपनिंग एंड आल्सो इम्प्रूव द क्वालिटी. ये क्या करता है कि रीपनिंग मतलब कि फसल जल्दी से पक जाए और उसकी जो क्वालिटी वो अच्छी हो उसको भी इम्प्रूव करता है. पोटासियम मतलब पोटाशियम फर्टिलाइजर एसेंशियल अलोंग विद द नाइट्रोजन और फॉस्फोरस. और एक चीज़ याद रखना कि फॉस्फोरस चाहिए, पोटाशियम भी चाहिए, नाइट्रोजन, ये तीनों चाहिए फसल को. ठीक है, ये नहीं कि आप एक दे रहे हो तो फसल अच्छे से उगेगा.
पोटाशियम इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट ग्रोथ के लिए चाहिए, इट शुड एडेड अर्लियर। और देखो हमने ऊपर पढ़ लिया था ना, एक जो चाहिए था हमें वो जल्दी से उगाने के लिए चाहिए था, एक चाहिए था मतलब हमें किस चीज़ लिए चाहिए था, उनमें शुगर के कंटेंट को बढ़ाने के लिए चाहिए था, एक क्या चाहिए था और ये क्या, इट इम्पोर्टेंट टू, ये प्लांट ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है, इट शुड एडेड टू, और इसे स्टार्टिंग प्रोसेस में, स्टार्टिंग स्टेज में डाला था। जैसे आपने फसल डाला, मतलब कि आपने बीज डाला खेत में, खेत में डालने के कुछ देर बाद आप इसे डालते हो खेत में, ठीक है। प्लांट बेनिफिट फ्रॉम द, और इससे क्या होता है बेटा, प्लांट जो होता है स्ट्रॉन्गर बनता है, वो जो वो उसको डिजीज नहीं, मतलब किसी तरह की बीमारी फंगी एक्सेट्रा कीड़े नहीं लगते जल्दी। फर्टिलाइजर क्या करता है, स्टार्च प्रोटीन, और जो ऊपर हमने पढ़ा था ये क्या करता है, स्टार्च प्रोटीन की जो कंटेंट होता है उसमें इंक्रीज करता है, ठीक है बेटा। और टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर कौन से है, और देखो हम फॉस्फोरिक फर्टिलाइजर का पढ़ रहे हैं ना, सॉरी हम पोटाशियम फर्टिलाइजर का पढ़ रहे हैं ना। आप देखो टाइप्स ऑफ पोटाशियम फर्टिलाइजर कौन कौन से, इसमें पोटाशियम क्लोराइड होता है बेटा, पोटाशियम सल्फेट होता है, ठीक है बेटा, ये होता है। ये तो होगा तीनों तरह के फर्टिलाइजर और उनके एग्जाम्पल। उसके बाद देखो हमने क्या पढ़ना है, फर्टिलाइजर कंटेन, अगर आप देखो छोटा छोटा एक एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि प्राइमरी एलिमेंट वाले फर्टिलाइजर कौन से होते हैं। तो आप बोलोगे जो फर्टिलाइजर कंटेन वन प्राइमरी एलिमेंट, इसको बोलते हैं बेटा सिंगल फर्टिलाइजर। क्वेश्चन आ गया वो डिफाइन सिंगल फर्टिलाइजर, तो जिसमें एक एलिमेंट है वो सिंगल फर्टिलाइजर है। बट इन सम केसेस फर्टिलाइजर, अगर फर्टिलाइजर में एक या फर्टिलाइजर में एक से ज़्यादा एलिमेंट मिक्स है तो उसे बेटा बोलेंगे हम मिक्स फर्टिलाइजर, ठीक है बेटा, उसे बोलेंगे हम मिक्स फर्टिलाइजर। और ये देखो फर्टिलाइजर सच एस एनपीके, जिसको नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटाशियम, ये तीनों को हम बोलते हैं एनपीके फर्टिलाइजर्स, ठीक है बेटा। मतलब जिसमें ये तीनों हो उसके बोरी के ऊपर लिखा रहता है एनपीके, मतलब तीनों मिक्स है, और इसे बोलते हैं बेटा कंप्लीट फर्टिलाइजर, ठीक है बेटा। ये तीन क्वेश्चन छोटे छोटे यहाँ से बन गए, सिंगल फर्टिलाइजर क्या होता है, मिक्स फर्टिलाइजर क्या होता है, एनपीके फर्टिलाइजर क्या होता है, ठीक है बेटा। डू यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज द कॉमन फार्मर बिकॉज, और ये देखो यूज ऑफ फर्टिलाइजर क्या होता है, ये कॉमनली सब फार्मर यूज करते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है बेटा, एक तो ये इजिली पानी में डिजोल्व हो जाता है, दूसरा क्या है कि इसे एक जगह दूसरे जगह ले जाना आसान है, तीसरा ये सस्ता होता है, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, ये हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, इसके एग्जांपल डीडीटी बीएससी, ठीक है बेटा, ये इसके एग्जांपल्स है। ये यूज होता है पेस्टिसाइड्स किसको, ये करता है इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप यील्ड, मतलब आपने फसल उगा दिया खाद डाल दिया, पर समटाइम होता क्या है कि उसके साथ ना जंगली पौधे भी उगाते हैं, ठीक है बेटा, जंगली पौधे भी उगाते हैं जो हमें नहीं चाहिए होता, जो हमारे लिए, जो हमारे फसल के लिए क्या होता है बेटा, हार्मफुल होता है, ठीक है। हमें बेटा इसके साथ क्या होता है, मतलब आपने देखो बेटा आपने फसल उगाया, ठीक है, फसल उगाया खाद डाला पानी डाला, कुछ दिनों बाद क्या होगा, जंगली पौधे भी उगाएंगे, वो क्या होगा आपके फसल के लिए अच्छे नहीं होंगे, वो आपके फसल के लिए अच्छा नहीं होता, ठीक है। बट लार्ज स्केल यूज ऑफ पेस्टिसाइड, तो उनको ख़त्म करने के लिए हम पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं। बट ये आगे क्या बता रहे हैं कि बट अगर आप लार्ज स्केल बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ करोगे तो ये आपको इन्वायरमेंट को भी इफेक्ट करेगा। देखो इन्वायरमेंट कैसे इफेक्ट करता है, मान लो कि आपने खाया, एनिमल ने खाया, इंसान क्या खाता है, वेजिटेबल खाता है, एनिमल क्या खाते हैं, पत्तियां खाते हैं। अगर मान लो ये फूड चेन में एंटर कर जाते हैं तो फूड चेन में एंटर करेगा तो क्या होगा बेटा, फूड चेन में एंटर करेगा तो वो क्या करेगा, हमारे बॉडी को डिफेक्ट करेगा। मान लो कि इंसान एनिमल घास खाता है, इंसान एनिमल को खाते हैं, मैक्सिमम जो वर्ल्ड में पॉपुलेशन है वो मतलब कि नॉन वेजिटेरियन होते हैं, मतलब वो खाते हैं। मान लो कि अगर किसी एनिमल ने बेटा जिसमें ज़्यादा पेस्टिसाइड डाला वो खाया, एक तो इस पेस्टिसाइड ने उस एनिमल की बॉडी को ख़राब किया और उसी के मीट को, मतलब कि उसी एनिमल को किसने खाया बेटा, इंसान ने खाया, तो इसके साथ क्या हुआ कि वो एनिमल तो खराब हुआ ही हुआ, साथ के साथ कौन खराब हो गया बेटा, वो इंसान भी खराब हो गए जो इनको खा रहे हैं, ठीक है बेटा। शार्प डिक्लाइन द, अब देखो वॉल्चर्स को हिंदी बोलते हैं बेटा गिद्ध। अब आपको पता ना पहले ये काफ़ी ज़्यादा होते थे अर्थ पे, बट अब बेटा गिने चुने रह गए हैं, कहीं दिखते भी नहीं, इंडिया में तो बेटा कहीं दिखते नहीं। इसके पीछे बेटा रीज़न भी यही है, लार्ज अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड यूज, वो क्या करते थे जो जानवर मर जाते थे उनके गले सड़े जो शरीर को वो खाते थे, वॉल्चर्स होते थे, ठीक है बेटा, गिद्ध बोलते हैं हिंदी में, बट अब वो बेचारे वो भी ख़त्म हो गए बिकॉज लार्ज यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स।
ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे सर्टन प्रिकॉशंस नीड टू टेकन व्हेन यूजिंग द पेस्टिसाइड स्पेशली। और एक चीज़ ये भी है कि पेस्टिसाइड यूज़ करें तो इसके लिए बेटा एक सर्टन प्रिकॉशंस, मतलब कुछ बचाव के साथ इसे यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले क्या है कि जितनी क्वांटिटी में चाहिए उतनी लेनी चाहिए, ठीक है। अगर वहाँ मेंशन किया हुआ है कि आपने इतना क्वांटिटी यूज़ करना है तो आपको उतना ही क्वांटिटी यूज़ करना चाहिए, मतलब ऑप्टिमम क्वांटिटी, मतलब जितना स्पेसिफाई किया लिखा हुआ है उतना ही करना है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। अगर आप ज़्यादा करोगे तो बेटा आपके वो वाटर रिसोर्सेज को भी ख़राब करेगा, पानी को भी जहरीला करेगा, ठीक है। इट सेड प्लांट बिकम इम्यून, क्या कहता है, ये प्लांट के इम्यून सिस्टम को तो बढ़ाता है बट इंसान को क्या करता है, इंसान की इम्यून सिस्टम को ख़राब करता है। एक चीज़ और देखो, अगर कोई इंसान पेस्टिसाइड को स्प्रे कर रहा है खेत में, हो सकता है कि वो हवा के साथ वो पेस्टिसाइड ले रहा हो, अपने लंग्स में ले रहा हो, तो उसको क्या होगा, लंग्स वाली डिसीजेज हो जाएगी, सांस वाली बीमारी हो जाएगी अगर वो पेस्टिसाइड्स को लेगा। तो एट लास्ट में क्या बता देगा, सिंथेटिक मटेरियल इंजीरियस टू द एनवायरनमेंट एंड इफेक्ट द ह्यूमन लाइफ ग्रेट एक्सटेंट। जो सिंथेटिक मतलब वो सभी चीज़ें जो केमिकल से मिलकर बने हैं, वो इंसानों की जिंदगी के साथ साथ जानवरों की और हमारे जो एनवायरनमेंट है उसे भी ख़राब कर रहा है। अगर हम केमिकल की बनी चीज़ों को इतना ज़्यादा एक्सटेंट पे यूज़ करना बंद नहीं करेंगे, एक दिन ऐसा ज़रूर आ जाएगा कि जैसे पेट्रोल पंप पे बेटा पानी मिलता है ना, वैसे ही हमें पानी का पेट्रोल पंप पे पेट्रोल मिलता है ना, वैसे पानी खरीदने के लिए पेट्रोल पंप पे जाना पड़ेगा और 100 रुपीस लीटर पानी मिलेगा हमें। एक टाइम वैसे आने वाला है बेटा, टाइम वैसे थोड़ा टाइम तो आ ही चुका है, 20 रुपये में एक लीटर पानी खरीद के पी रहे हैं हम, तो एक टाइम ऐसा भी आएगा जब 1000 रुपीस लीटर पानी खरीदना पड़ेगा हमें। क्योंकि जिस स्पीड से लोग पेस्टिसाइड एक्सेट्रा का यूज़ कर रहे हैं ना बेटा, एक वो दिन भी काफ़ी जल्दी आने वाला है कि जब ये सारा का सारा पानी ख़राब हो चुका होगा, ठीक है बेटा। आज का टॉपिक बेटा यहीं ख़त्म होता है। अगर बेटा किसी स्टूडेंट को कोई टॉपिक, कोई मतलब कि लाइन ना समझ आए, कोई चीज़ में प्रॉब्लम हो, तो बेटा इन बिटवीन लेक्चर मुझे पूछ लेना। ओके बेटा, थैंक।